आओ, बाप रे बाप, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अगर वो कुंफू सीख गया तब तो हम लोगों को वो कुंफू से मार मार के फूक फूक के उड़ाकर खत्म कर देगा। आओ आओ नंदो, हम सबका बंधु, आओ आओ आओ, चलो देखते हैं क्या मामला है। आओ अरे यार, ये तो मैं देख रहा हूँ कि गोलू भैया और बटलू भैया एक ही साथ आ रहे हैं। हाँ, क्या बात है। अरे यार, उससे क्या हुआ, तुम अपने गुलेर से जल्दी से निशाना लगाओ, वो लोग उल्टे पैर पीछे भाग जाएंगे। अरे यार, वो सब छोड़ो, तुम बटलू भैया को देखो। हाँ, अरे बच्चे बिच्छू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कंपू सीखोगे क्या? अरे चल चल, मैं भी जा रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर में। आओ, ठीक बोल रहे हो बटलू भैया, अरे चलो चलो हम भी चलते हैं। और वहाँ सुना है कि मार्शल आर्ट केंद्र खुला है। हाँ हाँ, वहाँ पे सब कुछ सिखाया जा रहा है, जल्दी चलो। अरे हाय हाय, ऐसा क्या क्या प्रिंसिपल लिखा करके आए हैं एक कुंफू वाले ने? हाय हाय, आओ, बहुत अच्छा। अरे छोड़ो यार, ये झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं, ये हम लोगों को आपस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सारे पहुंच गए यहाँ पे, हम लोगों को कुछ बातें करनी है। कौन है तुम लोग? क्या बात है, किस लिए आए हो? कोई बात है तो जल्दी बोलो। आ, आ, आ। अरे मेरा नाम है बटलू। अच्छा है, पर मेरे पास क्या काम है, जल्दी बोलो। हम सारे आपके शिष्य बनना चाहते हैं और हम सारे आपसे कुंफू सीखना चाहते हैं। आओ या या ऊ या ऊ, आओ आओ या आ। अरे सीख लेंगे सर, अगर आप सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। अरे क्यों, क्या बोल रहे हो? अरे जरूर, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर। आ, आ। अरे हाय हाय, हो हा होश, हा हा, हाय हाय, ये चाय पस सीखने से हाय हाय मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा ना। अरे जियो साबास, क्या खेल दिखाया रे। अरे चल, इसे कुछ और कुछ दूसरा नमूना दिखाते हैं। हाँ, और एक बात है, इसे ना अभी तक ब्लैक बेल्ट हासिल नहीं की है, समझा ना। अरे साबास बेटा, साबास। अरे मैं तो यही चाहता था, चल अब मैं तेरे लिए ब्लैक बेल्ट तुझे दिलवा सकता हूँ। अरे चल, तू पहले लकड़ी तोड़ के दिखा मेरे को। अरे सोच ले बटलू, अगर अभी भी चाहते हो कि इतना कष्ट करके तुम ये कंफू सीखोगे, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो जा सकते हो, अभी भी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अरे समझे तो। अरे गुटका, चल तू कुछ दिखा ना। सर, इस बार कुछ अलग दिखाता हूँ। अरे क्या, मेरे ही शिष्य को तुम हुल दे रहा है, चल अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे बटलू, तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा और तुम्हें जमीन से 3 फुट तक ऊंचाई पे उड़ना होगा। अरे क्या बोल रहे हैं सर, अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये देखिए। अरे ये क्या, तू तो 10 फुट ऊपर उड़ गया और इतना ऊपर उठा कि तू मेरा छत छेद कर दिया। अरे अब क्या होगा रे भाई? मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, पहले ही दिन आकर आपके छत तोड़ दिए, पर आप चिंता ना करें, मैं आपका छत आज मरम्मत कराऊं। हम लोगों के बटलू भैया क्या चीज है, आपने देखा, अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो हम लोगों को मजा ही नहीं आता। आओ, लगे रहो गुरु, लगे रहो। अरे बड़ा मजा आएगा, लगे रहो गुरु। अरे चल ठीक है ठीक है।
अरे चल ठीक है अब तू बोतल उठा कर दिखा मेरे को, समझा ना। अरे अब पता नहीं ये क्या करेगा। अरे ठीक है कोशिश करता हूँ, अगर कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे सुनो अब एक हाथी पकड़ के लाओ और जो हाथी हमारे बटलू के सीने के ऊपर से जाए। सुनो मेरे प्यारे हाथी सोना, उसको मार देना, इस दुनिया से साफ कर देना सोना। गुरु लग रहा है अभी यात्रा में मुझे ब्लैक बेल्ट नहीं मिलेगा, कुछ कीजिए वरना आपका इज्जत का धज्जा उड़ जाएगा। कुछ कीजिए गुरु कुछ की, अब मैं क्या करूं। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा क्योंकि जब भोक्का जब से लड़ाई करेगा तो भोक्का उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो जीतने वाला नहीं है। भोक्का उसे इतना मारेगा छक्का की तरह उड़ा देगा और वो कुंभ मैदान छोड़ के फौरन भाग जाएगा, समझा ना। अरे सीधा हॉस्पिटल। सब मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। अच्छा होगा। अरे ठीक है बटलू, कल तुम्हारा असली परीक्षा है और कल तुम जल्दी आ जाना और कल मैं तुम्हें फाइनली अपना स्टूडेंट बना लूंगा, जल्दी से चले आना तो बहुत मजा आएगा, देखना बटलू जो है वो तो टकला हो जाएगा। आओ बटलू भैया को सारे लोग टकले कर देंगे, मगर ये कैसे, पर उनके सर में तो कोई बाली नहीं आ रहा। अभी घर चल चुपचाप, कल मजा आएगा देखना। आओ बटलू भैया, चल मेरे दोस्त, देखते हैं बटलू भैया कल कंपू में क्या लड़ाई करते हैं और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। आओ 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 आ आ आ आ आ आ, आ, आ। अरे वजन घटाने के लिए रस्सी ताप रहा हूँ और 2000 बार कर लिया हूँ, और कितना बार करूँ यार बताओ। अरे यार कितना जोर से लगाओ, हाँ इतना कोई जोर से कोई करता यार, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है यार। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोगों को कुछ परेशानी है? आओ, नहीं नहीं हम लोग केवल देखने आए थे, तुम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। आओ बटलू तुम्हारा लेटर आया है दिल्ली से। आओ बटलू भैया तुम्हारा इनवाइट आया है, आ। अरे चल बक्का सुर ने मुझे हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए बुलाया है। आओ तुमसे पहले जो लड़ाई किया था उसी का दृश्य देखने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में बुलाया है। चलो, आओ चलो चलो जल्दी चलो। अरे सिस्टर वो बेड पे बैठ के धनुवासन क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं वो भक्कासुर से लड़ाई करके मरने मरने से बच गए हैं, इसीलिए ऐसे हैं, इलाज चल रहा है भैया। अरे आप चिंता मत करो, हमारे बटलू भैया कल जा रहे हैं उस भक्कासुर से लड़ाई करने। आओ उसे तबक तिकाने आओ। नन्ना वो चिंता मत करो, मेरा क्या हाल कर दिया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, वो एकदम पक्का डेकत है। अरे बाप रे बाप मेरा कुवाड़ो। अरे क्या समझे हो बताओ तो, आओ डर लग रहा है बटलू भैया। सुनो तुम्हें मेरे रास्ते का काटा हटाना पड़ेगा, और हाँ तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, मैं उसे बहुत समझाया था, एकदम पानी का तरह समझाया था। हाँ, मैं चल रहा हूँ, तुम्हारा पद की रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहता था, मेरा ब्लैक बेल्ट। पूरा रास्ता साफ। ओह
समझा नहीं, उसका सिर फट गया है। ए फाटा इधर आ, तुझे चुमा। ए क्या रे फाटा, तेरा ये क्या हाल है? अरे क्या हुआ भाई, तुम लोगों को कुछ परेशानी है? ऐसा कोई बात नहीं है। अब आप आइए। अरे बाबा, मेरा क्या हो गया? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ बाबा। मैं कहाँ हूँ बाबा? बाबा मेरा क्या हो गया बाबा? जरूरत नहीं, तू अभी घर जा। हवा, आप अभी आइए बदलू बाबू। जी हाँ भाई और बहनों, अब आपके सामने बड़े ही मशहूर कराटे वाले कंफू लेकर आ रहे हैं आपके अपने प्यारे मिस्टर बटलू। जी हाँ बहनों भाइयों, दिल थाम कर बैठे तो लीजिए। बहनों और भाइयों, अब आपके सामने बटलू भाई खुद चलकर आ रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, आ रहे हैं आपके सामने मिस्टर बटलू। आहो, 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 आहिया, ओवा। मेरा शरीर गर्म नहीं हुआ। पहले मेरा एक किक अगर बर्दाश्त कर पाओगे तो अब तुम्हारा साथ मैं खेलूंगा, समझे? या नल बाबा, अरे तेरे मेरा पैर तो दिया रे। अरे इतना मोटी कहाँ से आ गया रे? अरे बाप रे बाप, मैं अभी क्या करूँ? आओ बटलू भैया से लड़के हार के भाग रहा है। आओ आओ आओ, कैसे हो गया? हमारे बटलू भैया महान है। आओ 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 आओ, बटलू भैया अपने बड़े महान हो, आप आए हमारे रौनक की शान हो। आओ बटलू भैया जीत गए। आओ आओ आओ। लक्ष्मी, एक बार ना हो तो लक्ष्मी को ही बोलकर देखता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सुनती हो? ओह, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। हाँ, जरा इधर सुनो ना। ओह, पूरा घर सर पे उठा रखे हैं, क्या हुआ है बताइए? इस ठंड में गरम गरम हलवा खाने का मन कर रहा है, तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगी क्या? हाँ, यही बात सुनने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा? थोड़ा जोर से बोल देते तो क्या हो जाता? कुछ बिगड़ जाता या पहाड़ गिर जाता? क्या गुस्सा हो गई क्या? नहीं, गुस्सा क्यों होंगी? आप मेरे पति हैं, आप खीर खाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं खिलाएंगे तो मेरा अहित होगा ना। तो फिर देर मत करो, जल्दी से हलवा बना दो, क्योंकि मुझे राज्यसभा की ओर शीघ्र जाना है। हाँ, ये लीजिए, बना दीजिए, जल्दी से बोलने से हो गया? घर में तो सिर्फ चावल है, दूध और चीनी, जब तक नहीं आएगा तो खीर कैसे बनेगा? और खीर नहीं बनेगा तो आप खा के कैसे जाइएगा राज्यसभा में? बताइए, जल्दी से ले आइए। ठीक कर रही हो तुम, ठहरो, मैं अभी दुकान से दूध और सूजी लेकर आता हूँ। ठहरो, समझ रही हो? ठीक है, जाइए लेके आइए, तब तक मैं चावल साफ कर लेती हूँ, ठीक है? वही करो। अरे गोपाल है क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? हाँ, वही थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। बाजार?
बाजार? वह क्यों? कोई मेहमान आएगा ना क्या? मेहमान मतलब? ना ना ना, तुम्हारे ससुराल से कोई आने वाला है क्या? तो क्यों, अगर कोई ससुराल से नहीं आता है तो लोग बाजार नहीं जाते हैं? अरे आंख चुरा कर क्यों जा रहे हो? ओह बोला तो, जल्दबाजी है। जल्दबाजी है? ऐसी कौन सी जरूरत है जो खड़े होकर दो मिनट बात भी नहीं कर सकते? है, है, राज कार्य के लिए जल्दबाजी है। राज कार्य? कौन सा राज कार्य? जरा सुने। राज्यसभा में राजा के अधीन नौकरी, सुबह 10 बजे तक राज्यसभा में उपस्थित न होने पर राजा राज्यसभा से खदेड़ देंगे, समझे? बोलिए, यह बात समझ में आई? बात तो दिमाग में आई लेकिन कुछ हजम नहीं हुई। तुम तो एक अशिक्षित नाई के बेटे हो, खुद एक अशिक्षित हो और राजा के राज्यसभा में नौकरी करते हो। जरा बताओगे राज्यसभा में तुम क्या काम करते हो? कोई बड़ा पद है या सफाई करते हो? इतना छोटा काम गोपाल नहीं करता है। यह गोपाल बहुत बुद्धिमान है, अपने बुद्धि के बल पर राज्यसभा में नौकरी करता है, समझे? तो बताइए मेरी बात समझ में आई या नहीं? इतने देर बाद समझा। हाँ, राजा की चमचागिरी, लगता है राजा भी तुमको उचित पद दिया है। अशिक्षित छोटी जात के आदमी हो तुम, राजा की चमचागिरी के सिवा तुम और कर भी क्या सकते हो? आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि एक समय राजा के आप विदूषक थे, या तो ऐसा लगता है विदूषक वाला पद आप ही बनाए हैं। भाई इसे क्या देखे हो? ये किस राजा का चेला है? ओहो विदूषक। गोपाल यह किसी राजा का विदूषक नहीं है। तो फिर कोई राजा है क्या? तो कहाँ के राजा है आप? कृपा कर अपना परिचय देकर हमें धन्य करें। गोपाल तुम बहुत बोलते हो, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद तुम बोलो। हाँ हाँ बोलिए। यह मेरा शाला है, मगध में निवास करता है, वहाँ पर यह राजा का मुख्य हिसाब रक्षक है। केवल यही बात नहीं है, वहाँ के सभासदों में इसका बहुत नाम है। उसके पद की बात तो बताइए। हाँ तो जानते हो मगध के राजा उसे क्या उपाधि दिए हैं? क्या उपाधि दिए हैं? पंडित शास्त्री जी। अरे भाई नहीं 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 नहीं। तो फिर? पंडित दिग्गज विद्याधर शास्त्री जी। वाह 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 वाह, यह तो बहुत बड़ी उपाधि है। विद्या दिग्गज विद्याधर सुश्री जी। अरे नहीं 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 नहीं, सुश्री जी नहीं, शास्त्री जी, शास्त्री। मगध के राजा क्या कहते हैं पता है? क्या बोलते हैं? मैंने तुमको अभी जो उपाधि दी तुम्हारे ज्ञान भंडार की अपेक्षा बहुत अधिक है। वे स्वयं को विद्या की जहाज कहते हैं, विद्या की जहाज। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर, लाख बात की एक बात है। आहा, ओह, एक ही बार में विद्या की जहाज। तो फिर इसको अपने साथ ऐसे क्यों रखे हैं? हाँ, समंदर में बहा दीजिए इसे, देखिए अपने आप हिलते डुलते चला जाएगा। जितना सब पागल, समय नष्ट किया। यह देखो वो पागल है ना क्या? नहीं नहीं नहीं, छोटे लोग वैसे ही होते हैं। चलो चलो शाला जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए 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 जिया जी। रतन ठाकुर, जब एक तारा बजाकर गीत गाते हुए जाता है तो इतना अच्छा लगता है ना। जो बोले हो सही बात है, गीत के सुर और एक तारा के मधुर शब्द से मन प्राण दीप्त हो जाता है। एक तारे की चिड़िंग बिड़िंग आवाज हमें बिल्कुल नहीं सुभाती है, अगर आवाज सुननी है तो सितार की सुनो, कितनी मधुर आवाज। फालतू मत बोलो तो, आवाज बीड़ा की होती है, वह जो हमारे घर के पास वाला बलमाली है बीड़ा बजाता है, सही में एकदम मन प्राण जुड़ा जाता है। दूर दूर सबसे अच्छी आवाज तानपुरे की होती है,
हमारे जीजा जी के घर के पास यादव जी है ना, जो माँ सरस्वती की इतनी अच्छी वंदना गाते हैं कि सुनते सुनते मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ एकदम ओ हो आहा, इस समय भी वह बात याद करने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। आहा क्या बताऊं, आहा ओहो। अच्छा 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 तानपुरा तानपुरा, वो जिसकी आवाज पे 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 इतनी फालतू होती है कि जैसे लगता है आपस में चिड़िया लड़ रही है। चुप रहो, फालतू बोलते हो, तानपुरे की आवाज तुम्हें बिल्लियों का झगड़ा लगता है। वाद्य यंत्रों के बारे में तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान है, उल्टा सीधा बोलते रहते हो। जो जानता हूँ, जितना समझता हूँ, उसी समझ से बोल रहा हूँ। ये सब लेकर आपस में झगड़ा मत करो, केवल पता लगाओ कि किस वाद्य यंत्र का शब्द संसार में सबसे मधुर होता है। लेकिन भारत में ही तो कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, कितनों के पास तो विभिन्न प्रकार के अनेकों यंत्र रहते हैं। हाँ सही, तो जैसे तुम्हारा एक तारा, बीड़ा और उसका तानपुरा और मेरा सितार। तब कौन बताएगा किस वाद्य यंत्र का शब्द सबसे मधुर होता है, सुनने में सबसे अधिक मधुर। तो सुना हूँ कि हम लोगों का ये गोपाल नाई का बेटा होकर भी बहुत बुद्धिमान है, गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान वह खुद करता है। चलो ना उसी के पास जाकर पूछते हैं। चलो अच्छा होगा। कहाँ हो लक्ष्मी, हुआ? नहीं नहीं, अभी तो उबलना शुरू हुआ है, रुकिए। ओह, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी वक्त बोली थी कि कुछ नाश्ता कर लीजिए, पर आप नहीं किए, अब क्या आप समझिए, तो फिर भूखे रहिए आप। उस समय क्या जानता था कि हलवा बनने में इतना समय लगता है। सोचा था बाजार से दूध चीनी सूजी लाकर दे देता और हलवा तुरंत तैयार हो जाता, मगर यहाँ तो कुछ बात ही। जैसी आपकी सोच वैसा आपका विचार। अच्छा अच्छा, तब तक तो रोटी ही दो, वही खा लेता हूँ, और क्या करूँ। वो नहीं है, मैं खाली। तब घर में कुछ नहीं है? गोपाल, ओ गोपाल, घर में सोए हो क्या? सुनी, कोई आ रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। तैयार हो जाए तो मुझे बुलाओगी, ठंडा होने पर सूजी का हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप लोग आइए 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 आइए, सभी लोग आ जाइए, आ जाइए सभी लोग। उसके बाद कैसे याद आई? जानते हो गोपाल, एक बड़ी समस्या लेकर हम तीनों वृद्ध तुम्हारे पास आए हैं, इसका समाधान जरूर करना होगा बेटा। मैं तो जानता ही हूँ, समस्या में पड़े बिना मेरे पास कोई नहीं आता है, तो बताइए आप लोग किस समस्या में फंसे हैं? अरे गोपाल, हम तीनों में यह तर्क हो रहा था कि किस वाद्य यंत्र का स्वर सबसे अधिक मधुर होता है। तो आप लोगों को सुनने में किसकी किसकी ध्वनि मधुर लगती है? मेरा हुआ एक तारा और बीड़ा, उसका तानपुरा और इसका हुआ सितार। बड़े चिंता की बात है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। यह देखो पैसा गिर गया, पैसा गिर गया। नहीं, यह पैसा मेरा है। नहीं नहीं, यह पैसा मेरा है, मेरी ही जेब से गिरा है। आप लोग देखे तो खुद ही किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान कर लिए। आप लोग समझ नहीं पाए, एक सामान्य पैसे की आवाज सुनकर किस प्रकार से छोटे बच्चों जैसे अपनी मानसिकता छोड़कर आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। केवल यही नहीं,
इस सिक्के की आवाज कान में जाते ही आप लोगों का ध्यान उधर चला गया, इसलिए कहता हूँ कि संसार में पैसे की आवाज सबसे अधिक मधुर होती है। हाँ गोपाल, तुम शायद भूल गए कि हम लोग वाद्य यंत्रों के शब्द के बारे में पूछने आए थे। वाद्य यंत्र क्या है, आप लोग जानते हैं? वाद्य यंत्र का मतलब ना वाद्य क्या? ठीक है, तब सुनो। जब किसी निर्जीव वस्तु को किसी दूसरी वस्तु द्वारा चोट पहुंचाई जाए तो उससे एक मधुर आवाज निकलती है। जिस वस्तु से आवाज निकलती है उसे वाद्य यंत्र कहते हैं, समझे? इससे प्रमाणित हुआ कि पैसे की आवाज सबसे मधुर होती है, जिसको आप लोगों ने खुद ही साबित करके दिखा दिया। और रही चोट करने की बात, यदि आप लोग चाहें तो जमीन पर भी कुछ गिराकर आवाज उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं तो दो मुद्राओं को आपस में टकराकर भी आप लोग आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो बोलिए महाशय मित्रों। हाँ गोपाल, तुम सचमुच तर्क संगत सही जवाब दिए हो। हो गया खीर तैयार। अरे बुढ़े लोग अभी तक बैठ के बातें कर रहे हैं, कैसे मैं बुलाऊं उनको? उफ, क्या करूं? मैं तो पहले ही कहा था, गोपाल के पास इतनी बुद्धि है कि वह समस्या का समाधान तुरंत कर देगा। यह तो ठीक है, एकदम यह तो ठीक है। कल्याणी की घटना आप सुने थे ना, जहाँ नेताजी हिंदी विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यालय समिति के साथ जो द्वंद्व हुआ था, गोपाल उसको चुटकी बजाकर हल कर दिया था। यह सब तो आप लोगों की कृपा है, इसके साथ मेरे स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद है। लगता है आपकी श्रीमती बुला रही है। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुलाएगी? वह सुनो, फिर से चूड़ी की खनखन, बोला ना बुला रही है। अरे बुला रही हो? हाँ। अरे क्या हुआ? होगा क्या, मैं बोल रही हूँ होगा क्या। खीर चाची आपका अंदर इंतजार कर रही है, उनके आने में ज्यादा समय नहीं लगा है। और हाँ जल्दी से आइए, वरना वो जूड़नपुर चली जाएंगी, वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए बैठी है। नहीं नहीं, उनको और थोड़ा इंतजार करने को बोलो। नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। जुड़नपुर जाने के पहले मैं उनको उदरगढ़ भेजना चाहता हूँ। तो फिर जल्दी से आइए। आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी, सूजीराम कहाँ है? अजी खीर चाची नहीं, बैठिए बैठिए, मैं जल्दी से आपको परोस देती हूँ, वरना ठंडा हो जाएगा। लगता है यादव जी इसी में घूम रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं इसको उदरगढ़ भेजता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। वाह वाह वाह, चमत्कार, बहुत स्वादिष्ट हुआ है लक्ष्मी। देखें कैसे तरकीब से मैं आपको बुलाई, वरना कैसे खा पाते गरम गरम खीर। वह तो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है, लेकिन किसकी पत्नी हो यह भी तो देखना होगा। क्या बात है, कुछ समझे? उदरगढ़, जुड़नपुर, इस तरह के शब्द तो मैं अपने बाप दादा के मुंह से भी नहीं सुना था। रुको रुको, गोपाल के आते ही पता चल जाएगा। आप लोग इतनी देर बैठे, क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम राज कर्मचारी हो, तुम्हारे कंधे पर कितना बोझ होगा, उसी बोझ के चलते तो तुम अंदर गए थे। गोपाल, उदरगढ़, जुड़नपुर, हलवा चाचा, ये नाम तो मैं कभी नहीं सुना। और सूजीराम महाशय कौन है? इन सारे नामों का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से है, और सूजीराम महाशय ही उन क्षेत्रों में जाने की क्षमता रखते हैं। अरे अरे अरे, बातों ही बातों में इतनी देर हो गई, हमें राज्यसभा जाना था। हाँ हाँ ठीक ही है, बहुत देर हुई, चलो हम लोग भी चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो,
आज के सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। जो स्त्रियां न्याय के लिए आई हैं, उन्हें आदर सहित यहां लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, राजसभा में आने का समय निकल गया, लेकिन अभी तक गोपाल नहीं आया। गोपाल, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? जी, आज भोजन बनने में देर हो गई इसलिए। तो फिर कल? पैर में मोच आई थी इसलिए। गत परसों? गोपाल का बहाना तो लगा ही रहता है। कल से प्रातः 10 बजे के अंदर प्रत्येक राज्यसभा सदस्य को प्रवेश करना अति आवश्यक है। जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसे राज्यसभा से निकाल दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मैं सीता। प्रणाम महाराज, मैं गीता। रिश्ते में हम दोनों बहन हैं। बोलो, क्या शिकायत है? महाराज, एक महीने पहले हम दोनों बहन एक ही वक्त पे एक ही घर में दो पुत्र को जन्म दिए थे। कुछ समय बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो अब मेरे पुत्र पे अपना अधिकार जताती है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। पुत्र इसका मरा है, मेरा नहीं। क्या तुम लोग अपनी संतानों की पहचान के लिए कोई विशेष निशान बता सकती हो? हाँ महाराज, मेरे पुत्र के पीठ पे एक काला तिल है। हाँ महाराज, मेरे पुत्र के भी कान के नीचे एक छोटा सा तिल है। महामंत्री, इन दोनों की बातों में कितनी सत्यता है पता किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इन दोनों की बातों में ही सत्यता है। महाराज, आपके पास इतना विलक्षण बुद्धिमान अनुचर रहते भी आप स्वयं इतना चिंतित क्यों हैं? इस जटिल विचार का दायित्व आप उन्हें ही दें। क्या गोपाल, सकोगे? जरूर, तब देखो। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, तुम दोनों का कहना है यह पुत्र मेरा है, यही तो? जी हाँ। तुम दोनों ही इस बच्चे को मांगती हो? हाँ, चाहिए। यदि बराबर बराबर दो टुकड़े कर तुम दोनों को दूं तो कोई आपत्ति है? मुझे नहीं है, मुझे है। लेकिन तुम्हारी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से तो सीता का समर्थन है। जल्लाद, जल्लाद। हुकुम। इस बच्चे के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाए और एक एक टुकड़ा सीता और गीता को दे दिया जाए। जो आज्ञा। दया कीजिए, दया कीजिए, आप इतना कठोर मत होइए। उसका पुत्र उसका ही रहे, मैं वादा करती हूँ कभी भी मैं उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जताऊंगी। लेकिन मेरा एक विनती सुन लीजिए, इस शिशु को मत मारिएगा। महाराज, मेरा फैसला समाप्त हो गया। बच्चे की असली माँ गीता है, सीता नहीं। यह कैसे? गीता तो अपने मुंह से खुद बोली कि हर एक माँ चाहती है कि उसकी संतान निरोग, बलवान और दीर्घायु हो, जबकि सीता बच्चे का एक टुकड़ा लेने के लिए राजी है, और वहीं गीता अपनी संतान को बचाने के लिए अपने मातृत्व का अधिकार छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि यह बच्चा किसका है। महाराज, सीता, इसकी बात क्या सत्य है? सही सही बोलोगी, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ महाराज, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है। ये पुत्र मेरा नहीं, मेरी बहन गीता का है। जन्म के साथ साथ मेरे पुत्र के मृत्यु हो गया और मैं ईर्ष्या के वजह से अपनी बहन का पुत्र अपना पुत्र कह रही थी। मुझे माफ कीजिए महाराज, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, इस बार क्षमा कर दिया गया, लेकिन याद रखना भविष्य में फिर ऐसी गलती मत दोहराना। ठीक है, जाओ। गीता, तुम अपनी संतान को लेकर वापस जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सचमुच गोपाल, तुम धन्य हो, तुम्हारा न्याय भी धन्य है। यह सब आपकी कृपा है महाराज। फूफा जी, आप मुझे बुलाए थे? हाँ, घर के बाहर कोयला वाला कोयला रख कर गया है, अंदर रख दो। ठीक है फूफा जी, मैं जा रहा हूँ। कितना भारी है ये बोरी। इसे अब मैं अंदर लेकर जाता हूँ। ये क्या कर रहा है बुंदा? तू अकेले अकेले कोयला का बोरी अंदर लेके जा रहा है?
मैं तेरा मदद करूं? ओए भुंदा, मैं तो तेरा मदद करने आया था। जब बोरी तेरे पैरों पे गिर गया तो क्यों ना पूरा बोरी तेरे ऊपर गिर जाए। अंदा, ये तूने ठीक नहीं किया है। उफ, मुझे परेशान मत कर। फूफा जी इन कोयलों को मुझे अंदर रखने के लिए कहे हैं। हाँ, इसका मतलब तू आज से कोयले का काम करेगा। अच्छी बात है, तुझे मैं कोयले का खान वाला बना देता हूँ। ये ले, ये ले। ये तू क्या कर रहा है गब्बू? निकल निकल, मैं कह रहा हूँ निकल। अब तू कोयले का खान वाला लग रहा है। अब तू अपना काला चेहरा लेकर फूफा जी के पास जा और मार खा। मैं फूफा जी का मार खाऊंगा। ये क्या, मुझे भी काला कर दिया। बूंदा, अगर तू पकड़ा गया ना, मैं अकेला फूफा जी का मार क्यों खाऊंगा? तू भी मेरे साथ मार खाएगा, मुझे बड़ी पकड़ कर दिखा। फूफा जी, आप नालायक, कोयला से काला होकर कहा जा रहा है। जा जाकर जल्दी नहा ले, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे मार खिलाने वाला था। यहाँ से बाहर निकलूंगा ना तो तुझे पकड़ कर बहुत मारूंगा। सच में? ठीक है, आजा आजा। ये ले, ये ले। ये क्या कर रहा है तू भूंदा? ये क्या कर रहा है तू? तू मेरा ऊपर कोयला फेंक रहा है भूंदा। कोयले के खान में कभी कभी बाढ़ आता है, इसीलिए तेरा टप बन गया है कोयले का खान। कोयले के खान में कैसे बाढ़ आता है तुझे पता है? देखेगा तू, देख मैं नल चला देता हूँ। अब मैं यहाँ से जाता हूँ बंदा। टाटा। ओए 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 बंदा, शैतान लड़का, इस नल को बंद करके जा। कौन कौन शैतान ऐसा किया है? पूरे घर में पानी भर गया है। फूफा जी, ये काम हंदा ने किया है। शैतान हमेशा शरारत करता है, आज तुझे मार मर कर जाने का देख कर दूंगा। हाँ फूफा जी, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूरे घर में पानी कैसे भर गया? कोयले का खान से। कोयला बर्बाद करके और तू कोयले का खान का सपना देख रहा है? हांदा फूफा जी से मुझे मार खिलाने जा रहा था, लेकिन हांदा तो उल्टा ही फंस गया। फूफा जी उसे ही पकड़ कर मरने लगे। अच्छा हुआ हांदा के साथ, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है वो। हरिपुर के विद्यालय में पांचवी कक्षा में एक लड़का नया आया था। उसका नाम था जलधर। उसके मामा पुलिस में थे और इसका पिताजी थे डिटेक्टिव, इसीलिए ये भी अपने आप को एक डिटेक्टिव समझता था। लेकिन एक दिन घटा एक घटना। सुना है तू, कल जगदीश बाबू के घर से बर्तन चोरी हो गया? क्यों नहीं होगा, अंधेरे में है उनका घर। लेकिन हमारे घर से चोरी करना बहुत मुश्किल है। क्यों क्यों? मेरे कहने से रामू काका घर के दरवाजे पे बर्तन सजा के रख देते हैं, ताकि चोर अगर दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो बर्तन नीचे गिर जाए और आवाज से घर वाले उठ जाए और चोर भी भाग जाए। सच में जलधर का दिमाग बहुत है।
ओए तुम लोग सुने हो, कल जलधर के घर से बहुत बड़ी चोरी हुई है। हाँ, ये क्या बोल रहा है? दो दिन सबर करो, चोर को रंगे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन दो दिन से दो महीना गुजर गया, जलधर चोर नहीं पकड़ पाया। इधर स्कूल में घटने लगा घटना, क्लास में शुरू हो गया लंच बॉक्स चोरी। ए रमेश, खाने में क्या लाए हो आज? ये देख, पूरी और सब्जी। चल हाथ मुंह धोकर आके खाते हैं, चल। हाँ चलो। ए क्या अपना लंच बॉक्स गायब? बताओ क्या होगा? क्यों जलधर, चोर पकड़ पाएगा तू? बता, दो दिन समेटो, चोर को रंगे हाथ पकड़ूंगा। दो दिन बीत गया लेकिन चोर नहीं पकड़ाया। दो दिन बाद फिर से शैतान चोर मेरा खाना चोरी करके सारा खा गया। तू फिकर मत कर, मैं चोर पकड़ लूंगा। जलधर तू तो सिर्फ बोलता है, चोर क्यों नहीं पकड़ता? तुम लोग अपने में झगड़ा ना करके चोर को पकड़ो। गिर पड़ता है, चोर कौन है? कौन? हमारे स्कूल में जो नया पियोन आया है वो। तू बकवास मत कर, वो ब्राह्मण है और अच्छा है, सीधा साधा, वो चोर नहीं है। हाँ सच में, पियोन को मैं बहुत बार खाना दिया है लेकिन वो खाते ही नहीं किसी का खाना। बकवास मत कर तू। ओहो, तुम लोग मेरी बात तो सुनो। जब तक डिटेक्टिव चोर को पकड़ ना ले तब तक शक करता है जैसे मैं किया हूँ। थोड़ा सब्र करो, उस चोर को मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। क्यों जलधर, तेरा चोर कहाँ गया? रहे, मेरे डर से भाग गया वो। सुने हो तुम लोग, प्रिंसिपल के रूम से लंच बॉक्स चोरी हो गया। क्यों जलधर, अब क्या करोगे? कल मैं जाल बिछाऊंगा, देखता हूँ चोर कैसे नहीं पकड़ाता है। मुझे लगता है जो हमारे घर से चोर बर्तन चुराया था वही चोर होगा। सच में एक बार चोर पकड़ा जाए फिर सीधा उसको पुलिस के पास ले जाएंगे। बातों के अनुसार जलधर क्लास में टिफिन रख कर आया, पूरी छोला हलवा रख कर छिप कर देखने लगा। तभी अचानक क्यों जलधर, लग रहा है यही चोर तेरे घर पे चोरी किया था, तो फिर इसी को ले चलते हैं थाने। उसके बाद जलधर अपने आप को सबसे कहने लगा कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ।